में कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उससे पूरे देश की स्थिति खराब हो चुकी है। मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं और केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल बताई जा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार का ध्यान देश के हालात की तरफ दिखाया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सलाह दी, सरकार अपना फंड PR और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय ऑक्सीजन व दवाइयों पर खर्च करें ताकि लोगों को सही इलाज मिल सके, उनकी परेशानियां दूर हो सके। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार देश के हालात को देखते हुए बड़े बड़े कदम तो उठा रही है और ऑक्सीजन व अन्य जरूरी चीज़ों की सप्लाई राज्यों को पहुँचाई जा रही है, लेकिन जितनी ज़रूरत राज्यों को है उस हद तक सरकार मदद नहीं कर पा रही। ऐसे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार ने जो कदम अभी उठाया है वो कदम वक्त से पहले उठा लेती तो शायद देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। वहीं बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट भी सरकार और कई सरकारी अफसरों से नाराज दिखाई दी थी और आदेश दिया था कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।